नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो पेन दिखाने जा रहा हूँ ये एक मिनी पेन है। ये जो पेन है ये मिनी पेन है और इस पेन का नाम है मॉन्टेक्स हाइकिड। ये पेन जो है इसका अगर साइज़ हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इंच से अगर हम देखें यहाँ से तो ये लगभग 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर क्लिप को हटा के हम देखें सिर्फ पेन को, पेन का अगर नाप हम लेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये पेन जो है ये 3 इंच तक नहीं आता है, थोड़ा सा ही 3 इंच से थोड़ा सा कम है। ये जो पेन है हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये जो पेन है ये यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ पर अगर सपोर्ट हमें नहीं मिलता है पेन का तो हम पेन को लिख नहीं सकते। पेंसिल भी है ऐसा, और हमारे पास जो ड्राइंग करने के लिए जो भी चीज़ होते हैं वहाँ पर भी यही सिस्टम है, इसीलिए हमें लिखने के लिए इस क्लिप को पहले लगाना होगा ऐसे, और फिर देखिए ये पोर्शन जो है यहाँ पर ये सपोर्ट आ गया है यहाँ तक, अब हम इसे लिख सकते हैं। ये जो पेन है ये पेन की कीमत सिर्फ 5 रुपये है। आप एक साथ बहुत सारे पेन खरीद सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, पिंक, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड, डार्क पिंक और टर्किश ब्लू। ये अलग अलग जो कलर्स है ये 10 कलर्स में अवेलेबल हैं। मेरे पास ये ब्लैक रेड वाला है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ़िल में कितना इंक बचा है ये भी आप देख सकते हैं, और ये फुल ट्रांसपेरेंट है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। पर सिर्फ यही बात नहीं है ये पेन अपने पास रखने के लिए, इसमें और एक कमाल की चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 छेद है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 छेद है और इसके पीछे यहाँ पर और 1 छेद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से दिखाऊं तो आप देख सकेंगे ये छेद है 1 और ये 2 छेद है, ये दोनों तरफ जो छेद है यहाँ पर ये छेद कंपनी जब ये प्लास्टिक बनाती है इस तरीके से तब इसे इंटैक्ट रखने के लिए ऐसे आर्म्स होते हैं, मैकेनिकल आर्म्स, उस तरीके से उसे खींच के लेके आना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये छेद हो जाता है। पर इसको हमने थोड़ा सा डी आई वाई करके इसको हमने रिंग के साथ अटैच अगर कर देंगे तो इसको हम कैरी करके ले सकते हैं, ऐसे ही हम कैरी करके ले सकते हैं पॉकेट में, पर ये गिर सकता है। पर अगर आप इसे लगा दें इस तरीके से, अगर आप लगा देते हैं तो आप इसको कैरी करके ले सकते हैं। ये मेरे पास वही पेन है मॉन्टेक्स हाइकिड का ब्लू वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2 छेद था वहाँ से हमने ये एक क्लिपिंग टाइप का मैकेनिज्म अटैच कर लिया है, एक छोटा सा रॉड दोनों तरफ से ये हमने अटैच कर दिया है, और इससे क्या होगा ये जो है ये इस तरीके से हम कैरी करके इसे ले सकते हैं, चाबी जो है उसके साथ हम इसे रिंग में अटैच करके लेके जा सकते हैं। और इसका सुविधा ये है कि अगर छोटा है इसका साइज़, इसीलिए अगर बैग में या कहीं पर भी अगर ये ना मिले तो कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से इसे देख सकते हैं और लिखने में कोई परेशानी हमें नहीं होगी। लिखावट की अगर बात करें दोस्तों तो ये बहुत अच्छा लिखता है, थोड़ा सा ये बोल्ड लिखता है पर ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे लिखता है। अच्छा लिखता है, थोड़ा सा बोल्ड ये लिखता है,
आप लोगों को अगर ये पेन अच्छा लगा तो ज़रूर ख़रीदिए, और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, किस तरीके के पेन्स के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइए, पेन का नाम हमें बताइए, और हम कोशिश करेंगे वो पेन आपके सामने लाने के लिए, रिव्यू करने के लिए। धन्यवाद।